अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। एनवायरनमेंट कनाडा की टोरंटो में बर्फबारी की वार्निंग जारी। शहर में 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी के सबब हद निगाह कम होने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत अदम एतमाद से बच गई। तहरीके अदम एतमाद को शिकस्त देने में अक्सरियत की हिमायत हासिल रही। लिबरल वजीर का कहना था कि क़दामत पसंदों को झूठ फैलाना बंद करने की ज़रूरत है। कनाडा की वफाकी लिबरल हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी पेश कर दी। इंतखाबात के कानून में इस्लाहात का मकसद वोट देना आसान और मुदाखलत को रोकना है। गैर मुल्की मुदाखलत गलत मालूमात से बचाने के लिए इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। ब्लिंकन ने रफा में इसराइली ऑपरेशन को गैर ज़रूरी और गलत करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी गजा पट्टी पर दोबारा कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हमास इसराइली मुज़ाकरात का किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कई रहनुमाओं ने लोकसभा इंतखाब से कबल ईडी की कार्रवाई को तश्वीशनाक करार दे दिया। राहुल गांधी ने लिखा है कि इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Go fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Welcome back. Environment Canada का कहना है कि टोरंटो में जुम्मे को अहम बर्फबारी मुतवक्के है और इसका शाम के सफर पर असर पड़ सकता है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो में जुमे को अहम बर्फबारी मुतवक्के है और इसका शाम के सफर पर असर पड़ सकता है। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने जुमे की सुबह बर्फबारी की वार्निंग जारी करते हुए कहा कि पेशन गोई के मुताबिक 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा कि बर्फबारी से कुछ इलाकों में हद निगाह कम हो सकती है जहाँ बर्फ ज्यादा है। हल्की बर्फबारी सुबह से शुरू होने की तवक्को है, लेकिन दोपहर और शाम में ज्यादा शदीद होने का इम्कान है और जुमे की रात देर से मगरिब से मशरिक तक कम हो सकती है। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने कहा कि हाईवेज, सड़कें, वॉकवेज और पार्किंग लॉट्स जैसी सतहों पर बर्फ जमा होने की वजह से गश्त करना मुश्किल हो सकता है। एनवायरनमेंट कनाडा का मजीद कहना था कि जुमे की शाम झील एरी के करीब के इलाकों में बारिश जमने का खतरा भी है, तहम हफ्ते के रोज मौसम मामूली गर्म रहने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल हुकूमत जमेरात को हज़्ब इख्तिलाफात की कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कनाडा के कार्बन टैक्स पर लाई गई तहरीक अदम एतमाद से बच गई। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की लिबरल हुकूमत जमेरात को हज़्ब इख्तिलाफ की कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से कनाडा के कार्बन टैक्स पर लाई गई तहरीक अदम एतमाद से बच गई। एक दिन की बहस के बाद मेंबरान पार्लियामेंट को मौसमियाती पॉलिसी के साथ साथ उसके इर्द गिर्द सियासी गुफ्तगू की हालत पर अपनी शिकायत का इजहार करते हुए ट्रूडो बिलाखिर गालिब आ गए। तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त देने में अक्सरियत की हिमायत हासिल की। कुदरती वसाइल के वजीर जॉनथन विलिंगसन ने कहा कि क़दामत पसंदों को झूठ फैलाना बंद करने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। वोट के फौरन बाद कंजर्वेटिव ने एक बयान भेजा जिसमें ब्लॉक और NDP पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो तारीखी तौर पर गैर मकबूल लिबरल वजीर आज़म को अपनी तबाहकुन हुकूमत के धुंधलाहट में सहारा देने का फैसला करके अपने हलकों को छोड़ रहे हैं। कानून साजों ने कंजर्वेटिव रहनुमा पियर पॉलिवर की पेश करदा तहरीक को शिकस्त देने के लिए 116 से 204 वोट दिए, जिनका कहना है कि टैक्स कैनेडियन शहरियों पर बहुत ज्यादा है। कनाडा 2030 तक कार्बन के खराज को 40 से 45% कम करने का इरादा रखता है और कार्बन की कीमत में मुसलसल इजाफा लिबरल्स के आबो हवा के मनसूबे का एक अहम हिस्सा है। ये 1 अप्रैल को दोबारा बढ़कर 80 सेंट
डॉलर फीटन हो जाएगा, जो फिलहाल 65 डॉलर सेंट फीटन है। ट्रूडो की मौसमियाती पॉलिसी 2019 में मुतारिफ कराई गई थी, लेकिन कनाडा के बेशतर सूबों ने उसकी मुखालफत की है। पिछले साल हुकूमत ने घरों को गर्म करने वाले तेल के लिए कार्बन टैक्स में 3 साल की छूट और देही इलाकों के लोगों के लिए कार्बन टैक्स में ज्यादा छूट की पेशकश की थी, ताकि ज़िंदगी गुजारने के बढ़ते हुए अखराजात में राहत मिल सके। अगले वफाकी इंतखाबात अक्टूबर 2025 तक होने चाहिए और राय आमा के हालिया सर्वे जाहिर करते हैं कि कंजर्वेटिव आसानी से लिबरल्स को शिकस्त देंगे, जो नवंबर 2015 से इक्तदार में है। कंजर्वेटिव पार्टी ने एक बयान में कहा, जस्टिन ट्रूडो ने अजीम डिप्रेशन के बाद से बदतरीन मौशी हालात पैदा किए हैं और कैनेडियन अपनी हुकूमत पर एतमाद खो चुके हैं। उसने मजीद कहा कि सिर्फ कॉमन सेंस कंजर्वेटिव ही टैक्स ख़त्म करेंगे और सबके लिए कम कीमतें लाएंगे। लिबरल्स के पास हाउस ऑफ कॉमन्स के मुंतखब चैम्बर में सिर्फ अकलियती नशस्तें हैं और वो बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले छोटे न्यू डेमोक्रेट्स की हिमायत पर इन्हिसार करते हैं, जिन्होंने हुकूमत की हिमायत में वोट दिया। कनाडा की वफाकी लिबरल हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी पेश की है, जिसमें वोटरों के वोट डालने का तरीकाकार को कई तरीकों से तब्दील करने की कोशिश की गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी लिबरल हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात की कानून साजी पेश की है, जिसमें वोटरों के वोट डालने के तरीकाकार को कई तरीकों से तब्दील करने की कोशिश की गई है, जबकि इंतखाबी अमल को गैर मुल्की मदाखलत और गलत मालूमात से बेहतर तरीके से बचाने के लिए इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। पब्लिक सेफ्टी, डेमोक्रेटिक इदारों और बैनुल हुकूमती उमूर के वजीर डोमैंक ली ब्लैंक की तरफ से हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया नया बिल कनाडा के इलेक्शंस एक्ट में तरामीम को आगे बढ़ाता है, ताकि कैनेडियनों के लिए वफाकी इंतखाबात में वोट डालना आसान हो और कनाडा में इंतखाबी अमल के एतमाद को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हुकूमत किसी भी पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की इजाज़त देने की सिंध में कदम उठाने का वादा कर रही है और साथ ही साथ आम इंतखाबात के दौरान वोटिंग के 3 दिन की मुद्दत में तौसी की इजाज़त देने के लिए दरकार इकदामात का मजीद मुताला करने के लिए इकदामात का वादा कर रही है। ली ब्लैंक ने कहा कि इलेक्शंस कनाडा ने इन दो इकदामात को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के बारे में तशवीश का इजहार किया, जो लिबरल्स NDP पर एतमाद और फराहमी के मुहिदे में शामिल है। ली ब्लैंक ने कहा, NDP लीडर जगमीत सिंह और वजीर आजम बहुत चाहते थे कि हफ्ता इतवार और पीर 3 दिन की वोटिंग की मुद्दत हो। कनाडा के इंतखाबात हमारे सामने कुछ सोचे समझे ऑपरेशनल चैलेंजेस के साथ आए। दो फरीकी मुहादे में जो कुछ था उससे आगे बढ़ते हुए ली ब्लैंक का बिल दीगर लिबरल वादों और मुस्तकबिल के इंतखाबात को गैर मुल्की मदाखलत से बचाने के लिए नई कोशिशों का इजाफा करता है। ली ब्लैंक ने कहा कि इलेक्शंस एक्ट को नई टेक्नोलॉजियों के साथ तैयार करना है और पूरी दुनिया में एक हकीकी तशवीश है। हमने इसे दूसरे दायरा इख्तियार में देखा है, डीप फेक्स के मुमकिन इस्तेमाल के इर्द गिर्द, जो कि इंतखाबात पर बहुत संगीन असर डाल सकता है। ये यकीनी तौर पर ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सिक्योरिटी सर्विसेज मुझसे बात करती हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गजा के शहर रफा में इसराइल के बड़े ज़मीनी ऑपरेशन को गैर ज़रूरी और गलती करार देते हुए कहा कि हमास ने निमटने के लिए फौजी ऑपरेशन के अलावा और भी तरीके हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गजा के शहर रफा में इसराइल के बड़े ज़मीनी ऑपरेशन को गैर ज़रूरी और गलती करार देते हुए कहा कि हमास से निमटने के लिए फौजी ऑपरेशन के अलावा और भी तरीके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन गजा में जंगबंदी के लिए मशरिक़ वस्ती के अपने छठे दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में आला अरब सफारतकारों के साथ जंगबंदी की कोशिशों और गजा तनाज़े के बाद मुस्तकबिल से मुतालिक तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हमास के ज़ेर हिरासत इसराइली यरगमालियों की रिहाई के साथ जंगबंदी की फौरी ज़रूरत है। अमरीकी वजीर खारजा ने काहिरा में मिस्री वजीर खारजा सामी शकरी के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रफा में एक बड़ा फौजी ऑपरेशन एक गलती होगी जिसकी हम हिमायत नहीं करते। हमास से निमटने के लिए फौजी ऑपरेशन के अलावा और भी तरीके हैं। बड़े ऑपरेशन से अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ब्लिंकन ने मजीद कहा कि आज इसराइल में रफा पर बातचीत और अगले हफ्ते वाशिंगटन में सीनियर अमरीकी और इसराइली हुकाम के दरमियान होने वाली बातचीत में पेशरफ के लिए तबादला ख्याल होगा। उनका कहना था कि एक बड़े ऑपरेशन का मतलब मजीद आम शहरियों की हलाकतों और गजा में इंसानी बहरान की सूरत हाल का मजीद ख़राब होना है। फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी गजा पट्टी पर दोबारा कब्जे को मुस्तरद करते हैं। हमास इजरायली मुजाकरात का किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली वजीर आजम ने जंगबंदी की तमाम तजावीज़ मुस्तरद करते हुए रफा में बड़े ज़मीनी ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। नेतन्याहू ने बयान दिया कि हमास के खिलाफ मुकम्मल फताही 5 माह से जारी गजा जंग का वाहिद हल है। वाजे रहे कि 5 माह से जारी जंग में दीगर मकामात से नकल मकानी करके
10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी रफ़ा में पनाह लिए हुए हैं। इन पनाह गुज़ीनों को दूसरे महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के मंसूबे के बगैर रफ़ा पर हमले से बड़े जानी नुकसान के खदशात बढ़ रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अहम बयान जारी करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अहम बयान जारी करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खौफजदा डिक्टेटर मुर्दा जमहूरियत बनाना चाहता है। भारत में इस अहम गिरफ्तारी की खबर मीडिया पर आते ही अपोजिशन पार्टियों ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कई रहनुमाओं ने लोकसभा इंतखाबात से कबल EDB की कार्रवाई को तशवीशनाक करार दिया है। राहुल गांधी ने मजीद लिखा कि मीडिया समेत तमाम इदारों पर कब्जा करना, पार्टियां तोड़ना, कंपनियों से पैसे बटोरना, हिजब इख्तलाफ की अहम जमात के अकाउंट मुंजमद करना शैतानी ताकत के लिए काफ़ी नहीं था कि अब मुंतखब वज़राए आला की गिरफ्तारी भी मामूल बन चुकी है। अपनी पोस्ट के आखिर में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सरगर्म हो चुकी है। दिल्ली हुकूमत के एक वजीर ने बताया कि हमने ईडी के जरिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कलदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हमने आज रात ही फौरी समाअत का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि नई दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया था कि उन्हें शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया गया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान निमरा कंवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।